बस करो भी, चलो उधर चलो, वहाँ उस एक्शन में चलो, उधर चलो। हाँ ओए मम्मा के पास जाओ, चलिए प्लीज मम्मा। बोलो मैगी का कलेक्शन बताओ इधर पे गाइस। कोरियन मैगी चाय पत्ती है ना, कौन सी ले रहे सोसाइटी लेना, नहीं कौन सी सोसाइटी लेना है, और क्या लेना आपको? बस बेटा अभी बस मामा ने बोले बस। अच्छा वो भी लेना आपको कैरेमल, टेक वन पैकेट, एक ही लो बेटा लिए। हाँ बस जोलोजी ब्लू के दाने चल, जोलोजी ब्लू, जोलोजी जोलोजी ब्लू के सब ले लो। हेलो मैं बना, हेलो गाइस, हेलो गाइस, अभी हम लोग बना रहे हैं चिकन। तो मैं बुलाओ, अभी हम लोग इन चिकन को पहले मेरे हाथ से मिक्स करेंगे। ये चिकन है 200 ग्राम्स, कितना 200 ग्राम्स। अभी हम इसे मैरिनेट करेंगे, मम्मा ये निकाल दो ना। तो गाइस अभी हम आज बना रहे हैं चिकन पिज्जा, ब्रेड पिज्जा, ब्रेड पिज्जा। और जो अभी हम लोग चिकन ये छोटे पीस वाले आपको भी ले लेना है, ये सारे बोनलेस चिकन है, ये बोनलेस चिकन है जो कि आपको बनाना है छोटे काट काट के। और ये जो हड्डी है नहीं लेना है अभी को, ये जीने भी मसाले आपको लेना है। ये चिकन 200 ग्राम लेते, पहले तो मैं ये डालूंगा, फिर मैं भूसन चीजें और लाल चीजों और ये हल्दी, हल्दी सब हम लोग ने कितनी कितनी क्वांटिटी में लिए हैं? 1, 2, 3, 4। अभी नमक तो टेस्ट के हिसाब से होता है। गरम मसाला हमने लिए है 1 चुटकी, कोरिएंडर पाउडर लिए है हमने 1/2 स्पून, 1/2 टीस्पून, और चिली पाउडर भी 1/2 टीस्पून, और हल्दी पाउडर भी 1/2 टीस्पून। ओके तो अभी डाल दो मम्मा, अभी ये सारे मसाले आप बोलूं, सारे मसाले अभी मैं डाल लूं। वेरी गुड, भी मैं मिक्स कर लूं खुद के हाथ से, वो भी आज खुद ही मिक्स करूंगा मैं, तो सारा चीजें क्लीन कर लेने का, सारी चीज मैं अभी क्लीन कर ली। और मम्मा एक और चीज बाकी जो के है, हाफ लेमन जूस। तो भी मैं मिक्स करूंगा। ओके तो इसमें तो एक चीज और बाकी है। अच्छा मैं भूल ही गया था, थोड़ा फूड कलर डालूंगी, डाल दूंगा तो मैं मिक्स कर लूं खुद। ये चिकन को हम मैरिनेट करके रखेंगे 1/2 आवर के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी फ्रिज में रख सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो आप इसको 1/2 घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना जरूर। और जब हम इसे फ्राई करने लेंगे तब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, वो भी 1 टेबल स्पून। अभी मैं बना रहा था तो आपको सबसे पहले जितने भी कलर, जितने भी पाउडर, जितने भी मसाले है, जितने भी लेमन पानी को थोड़ा सा लेना है आपको, और मिक्स कर लेना है आपको थोड़ा थोड़ा करके। जितनी हड्डियाँ वो नहीं लेना है आपको अभी, वो
आपको 2 मिनट लगना है, फिर जब भी आपको पकाना है तभी पका सकते हैं। आपको कितनी भी देर में पकाना है पका लो। हमने यहाँ पे लिए हैं 1 शिमला मिर्ची और हाफ या 1 स्मॉल ऑनियन। अगर बड़ा है तो हाफ ले लीजिए, स्मॉल है तो 1 ऑनियन लीजिए, और 1 कैप्सिकम ग्रीन वाली, यह हमने 1-1 ली है। हम इसे बाद में सॉटे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी। जैसे कि आपको मैंने बताया था 1/2 घंटे के बाद निकल है, वैसे कि मैंने निकाल दिया। तो अभी मैं पहले कॉर्नफ्लावर डाल रही हूं, 1 टेबल स्पून है, ठीक है। तो फिर उसके आगे हमें मिक्स करना है। मिक्स कर रहा है जितने को मिक्स कर। वेरी गुड। और ये सब करने से पहले आप अपने हैंड वॉश जरूर करना, दानियाल ने किया है। यहाँ पे हम लोग ने रख दिए एक पैन, पैन के ऑयल, थोड़ा सा ऑयल। ये नॉनस्टिक है, नॉनस्टिक यूज करना आप लोग भी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप थोड़ा ज्यादा तेल डाल लेना। हाफ टेबल स्पून ऑयल, ये ऑयल को हमने सब जगह स्प्रेड कर लिए। अब हम क्या हुआ आप देखे दानियाल क्या से कोई नहीं दानियाल, जब कुकिंग करते हो ना तो ये सब होता है, इट्स ओके। कम अभी हम इसको सॉटे करेंगे। अरे अरे मेरे बच्चे के हाथ पे लग गया। अभी हम यहाँ पे इसको सॉटे करेंगे। मुझे वैसे तो आप लोग कच्ची वाली वेजी डाल सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ी कच्ची पक्की अच्छी लगती है, तो मैं ऐसे सॉटे करके फिर यूज करती हूँ। से 4 मिनट ही सॉटे कर, इससे थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर आ रहा है, और हमारी वेजी हो गई सॉटे। अभी मैंने गैस ऑफ कर दी हूँ, और मैं इसे निकाल लूंगी प्लेट में। मैंने ये वही पैन यूज करी हूँ, पैन पे फिर से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिए, उसको स्प्रेड किए सब चीज़ें, और हम जो ये मैरिनेट करके रखे थे चिकन, वो चिकन इसमें डाल देंगे। अभी हम इसे लो फ्लेम पे थोड़े टाइम के लिए कुक करेंगे। इसको थोड़ा और हम होने देंगे। तो दानियाल व्हाट आर यू ईटिंग? ये तो कल लेके आए थे ना आप मार्केट से, क्या प्राइस है इसका? क्योंकि आपने लिया आपको नहीं पता, बताओ क्या प्राइस है? 100 रुपीज, 100 रुपये, हम लोग ने देखी भी नहीं। इट्स ओके, कोई कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे, ठीक है? आप लोग भी ध्यान दीजिए, कभी भी ऐसा कुछ करते हो तो, ठीक है? ये हो चुका है, अभी हम इसे निकाल लेंगे। गाइस नॉनस्टिक में करोगे तो मसाला देखो बिल्कुल भी कहीं नहीं लगेगा, मसाला पूरा चिकन में ही रहेगा। नहीं 1 टेबल स्पून शेजवान चटनी ले रहे हैं, 1
मैं ना हाफ ले लेंगे। चलो मैं तो इन बिटवीन आया, आप लोग क्या बना रहे हो बताओ जरा। सर पाई चाहिए, ये है स्नैक्स, शाम में भूख लगती है ना। ये है मेयोनीज, मेयोनीज, मेयोनीज। ये मैं 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। दानियल बहुत हेल्प करता है मम्मा की, जो कि हमने पहले भी देखी थी। मैंने अभी जो मैंने डाला था जिसके में ये लगा था, ये मैं किंग बैग मिला। तो मेरा पहले रेडी हो गया, चालू रहेगा। तो ये ब्रेड हो चुका हमारा, 1 2 3 4 5 और जो क्या भी है सॉस लगा। आप पहले सॉस अप्लाई करो सब पे अच्छे से, प्रॉपर लिया एकदम इक्वली से कर लो बेटा। और लो तो ऊपर लगते जाना हो रही। मैं कैसा लग रहा हूँ आपको गाइस? आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल रहेगी आप वो यूज़ करना, अभी तो बहुत कड़क है। मेरे पास है दोनों, अमूल है दोनों भी ना, एक ब्रिटानिया का एक अमूल चीज़। नहीं डालूंगी, मेरा पैन नॉन स्टिक है तो मैं इसे ऐसे ही रखूंगी लो हीट पे, कवर करके रख दूंगी। अगर आपका नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप उसको थोड़ा या ऑयल या बटर से सेक सकते हैं। सब ये मेल्टिंग देखो, अच्छा सा वाव चीजी चीजी। तो फास्ट नो स्लो पे होएगा वो। गाइस आप लोग भी ट्राई करना, रियली बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, मजा आता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगता है, अच्छे लगते हैं और मैं वो पढ़ता हूँ, फिर आपको मैं वो कर लूँगा। जितने भी आप कमेंट करते हैं मुझे अच्छे लगते हैं और मैं जितने कमेंट पढ़ता हूँ और आप जितने भी कमेंट करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। गाइस दानियल बोलना चाहता है कि आप जो कमेंट करते हो वो हमें अच्छे लगते हैं, ऐसे ही अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।